जय गुरु गोरक्षनाथ। लड़का हो या लड़की, हर कोई ये चाहता है कि उसकी सुंदरता बहुत बढ़े, इतने बढ़े कि सब उसकी तरफ आकर्षित हो। आकर्षण का केंद्र बना रहना सबकी दिली तमन्ना है। किस तरह आपकी सुंदरता को चार चांद लगाए जा सकते हैं, किस तरह आप अपनी सुंदरता को बहुत बढ़ा सकते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स टोटके आज हम आपके लिए लाए हैं। बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाती है तो उसमें वो ज़्यादा समय अपने इन सुंदरता के टिप्स पहलुओं पर दे नहीं पाते, जिससे क्या होता है कि वो आप अंग्रेजी मेडिसिंस क्रीम इत्यादि लगाते रहते हैं, उनसे फ़ायदे की जगह उनको नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए लेकिन आज कुछ ऐसे सरल घरेलू टिप्स आपको बताए जाएंगे जिनको आप आसानी करके प्रयोग कर सकते हैं और उनका बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे संतरे का प्रयोग खाने में होता ही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता ही है, लेकिन जो इसका छिलका होता है ऊपर का वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। या तो उसका जूस जो होता है छिलके का जूस, वो हम अपनी त्वचा पर, चेहरे की त्वचा पर प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, हमारी एक्स्ट्रा अतिरिक्त चिकनाई को दूर करके एकदम कोमल हमारी त्वचा बना देगा। या फिर उस संतरे के छिलकों को पीस कर उसमें ना थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला लें और फिर उससे अपने चेहरे पर अप्लाई करें, इससे क्या होगा कि खुश्की जो है वो दूर हो जाएगी, त्वचा का रूखापन दूर हो जाएगा और बड़ी कोमलता उसमें आ जाएगी। टमाटर भी हमारी सुंदरता को चार चांद लगा सकता है। बिल्कुल प्राकृतिक ब्लीच के रूप में हम टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं चेहरे पर। टमाटर का टुकड़ा ले लें और चेहरे पर कुछ समय के लिए रगड़ें और रगड़ करना उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद उसको धोएं। आपको पता लगेगा कितनी तरोताज़ा आपकी स्किन हो जाती है, आपकी ना स्किन बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगी, उस पर जो ब्लैक हेयर्स वगैरह जो होते हैं ना वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे एकदम से। शहद और नींबू भी हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बड़े ही अच्छे ऑप्शन हैं। एक चम्मच शहद ले लें, उसमें एक आवश्यकता अनुसार नींबू का रस मिला लें और वो जो मिक्स बना है ना उससे अपने चेहरे पर अप्लाई करें, अच्छी तरह ना मसलें रगड़ें। उससे क्या होगी कि जिससे कि आपकी एज का पता चलता है कि आप बड़ी एज के हो गए, तो वो झुर्रियाँ जो हैं वो मिट जाएंगी और आपकी जो त्वचा है उसमें निखार आ जाएगा एकदम से। आपकी त्वचा से आपकी एज का पता ही नहीं चलेगा। एक ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप ना पानी की कमी ना रखें अपने शरीर में, पानी बहुत पिएं। दिन भर में ना कम से कम 8-10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, इससे क्या होगा कि वो आपकी त्वचा में से पानी की कमी नहीं होने देगा और आपकी त्वचा में बिल्कुल नमी बनाए रखेगा, यानी कि नमी अंदर से, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है आपकी त्वचा के लिए। आलू जो कि बहुत ही पॉपुलर सब्जी है और स्वाद भी सब्जी है, इसको सभी पसंद करते हैं सब्जी के तौर पर प्रयोग करने के लिए। इसका एक बहुत ही उत्तम प्रयोग है, आप आलू को गोल काट लें छिलका उतारकर और वे जो गोल टुकड़े हैं उनको अपनी आँखों के ऊपर रखें। आपके आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल जिन्हें बोलते हैं वो बन जाते हैं काले निशान, वो इस प्रयोग से बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अगर आप नींबू का रस ले लें, उसमें गुलाब जल भी मिला लें और दूध अच्छी तरह मिक्स बना लें इनका और इनको अपनी त्वचा पर अप्लाई करें, इसके प्रयोग से आपकी त्वचा बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर और हसीन बन जाएगी। सुंदरता के लिए पपीते का जो छिलका होता है वो भी बड़ा ही फायदेमंद होता है। पके हुए पपीते का छिलका उतार लें और जो उसका जो गुद्दा होता है ना छिलके के अंदर का, छिलका उतार लिया, जो गुद्दा होता है गुद्दे को मसलें, चेहरे पर मसलना है कुछ देर के लिए
वो जो मसला है ना उसको ऐसे ही रहने दे। अब कुछ देर के बाद उसको एकदम आप धो लें, साफ़ कर लें पानी से, फिर देखिए क्या लाजवाब निखार आता है आपके चेहरे में, आपकी त्वचा में। बेसन, कच्चा दूध और हल्दी के प्रयोग से भी आप अपनी त्वचा को, अपनी सुंदरता को बहुत आकर्षक बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, ये केवल लड़कियों के नहीं, लड़कों के लिए भी कारगर और बेहद उपयोगी टोटके हैं। एक चम्मच बेसन लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें और एक चम्मच कच्चा दूध व एक चम्मच गुलाब जल अच्छी तरह मिला लें और इसका नियमित प्रयोग करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके चेहरे पर अप्लाई करना है, कुछ देर रख के और फिर इसको धोना है। इस तरह आप इसका प्रयोग करें। अगर बहुत ज़्यादा तैलीय त्वचा है, ऑयली है, ऑयली स्किन जिसे बोलते हैं, तो आप क्या कीजिए, एक चम्मच नींबू का रस लें, उसमें एक चम्मच गुलाब जल डाल लें और पुदीना पिसा हुआ मिला लें और इसको एक घंटे तक अच्छे से मिक्स करके रखे रहने दें। फिर इस पैक से चेहरे को अच्छी तरह अप्लाई करें, अच्छी तरह चेहरे पर लगा के फिर कम से कम 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें और फिर इसको धो लें। क्या लाजवाब निखार आएगा चेहरे पर, आपकी त्वचा में वो जो चिपचिपापन और जो ऑयलीपन है ना वो दूर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये थे कुछ बेहद उपयोगी टोटके, देसी घरेलू नुस्खे जिनसे आप अपनी चेहरे का, अपनी स्किन की सुंदरता का, अपने चेहरे की और स्किन की सुंदरता को चार चांद लगा सकते हैं और समाज में बेहद आकर्षक बन सकते हैं। तो आप ये अवश्य आजमाएं और आपकी सुंदरता की शुभकामना लिए और मंगल कामना लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरु गोरखनाथ।